The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So today we are going to talk about genetics, genes. और ये वो जीन्स नहीं है जो आप रोज पहनते हो, राइट? ये वो जीन्स है जो लेके आप पैदा होते हो, जो आपके माता पिता से आपको मिले हैं, आपकी जीन्स, आपकी जेनेटिक्स कितने इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनकी हेरिडेटरी कंडीशंस, आपको कौन सी बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर होगा नहीं होगा, हार्ट अटैक कौन से उम्र में आएगा, आपको शुगर के कितने चांसेस हैं, आर्थराइटिस होगा, बाल जाएंगे नहीं जाएंगे, हाइट कितनी होगी, आप अच्छे दिखोगे कि नहीं दिखोगे, स्ट्रांग होंगे, मस्कुलर होंगे कि वीक होंगे कि पुस होंगे, वो सब आपकी जीन्स डिसाइड करती है। जी हाँ, आपकी जीन्स डिसाइड करती है। सो क्या है ये जीन्स और जेनेटिक डिसऑर्डर? सो आइए बातचीत करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में और तुरंत फटाफट फटाफट। जेनेटिक्स एक हेरिडेटरी साइंस है। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ हेरिडेटरी कंडीशंस, राइट? और हेरिडेटरी चीज जो आप बच्चों को देते हो, अपने बच्चों को जो देते हैं वो है, उसमें आप पर्सन क्या क्या देते हैं, आप अपना अपीयरेंस, हाइट, आपका हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, ये सब डिटरमाइन होता है जीन्स से। और इसके अलावा आप अगेन आपकी मेंटल एबिलिटीज कितने स्ट्रांग होंगे, आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या होंगे, आपके बीमारियां कौन कौन सी होंगी नहीं होंगी, ये सब जीन्स डिसाइड करती हैं। और कोई एबनॉर्मल जीन, कोई एबनॉर्मल ट्रेट कहते हैं इसको, TRAIT, ट्रेट, एबनॉर्मलिटी, अगर आपके जेनेटिक्स जीन्स में है, फैमिली में है, तो वो पास ऑन होती है, कई बार इनहेरिटेड होती है ना, आप इनहेरिट कर सकते हो। जैसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खानदानी पैसा इनहेरिट करते हो, वैसे ये इनहेरिट करते हो, तो वो जरूर इनहेरिट कर सकते हो आप, राइट? सो इसमें जीन्स का आपके हेल्थ पे, वेलबींग पे कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जेनेटिक्स जीन्स के वजह से आपके बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन आपके ईयर लोब थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, राइट? आपको थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंडनेस जैसा आ सकता है, लेकिन कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा कि हाँ आपकी जिंदगी इतनी छोगी या इतनी होगा, ऐसा नहीं। मेजर यानी आप जीने कैसे हो, आप मोटे होगे कि पतले होगे, ये जीन्स पूरी तरह डिसाइड नहीं करती, पार्शली करती। मतलब आप हेल्दी होगे कि नहीं, ये आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीन्स है, ओके, रिमेंबर दैट। और इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक जान लें, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होते हैं ना 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें दो क्रोमोजोम होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपका सेक्स, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम। इसमें बेसिकली बाकी के 22 पेयर्स नॉन सेक्स यानी ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स होते हैं, और मेल के अंदर 46 एक्स वाई होता है, यानी 46 क्रोमोजोम और एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है। फीमेल के अंदर 46 क्रोमोजोम और एक्स और एक्स, एक्स एक्स इज फीमेल, वाई और एक्स इज मेल। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि मेल में ही वाई होता है। ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज लाइक दैट, डोंट नो, नोबडी नोज, बिकॉज इट्स वाई, वाई, ओके? तो मेल में है वाई, जैसे फीमेल बोलती है वाई, क्यों पैदा होते हैं मेल्स, तो उसका कारण है कि वाई क्रोमोसोम है कि नहीं, सेम थिंग। सो ऐसा है, सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ बेसिक दीज काइंड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, है कि नहीं? और हर एक क्रोमोसोम के अंदर फिर ये जीन्स है, डीएनए है, और ईच क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन है कि आपके हाथ कितने लंबे, आपके पैर कितने लंबे, आपकी आंखें कौन सी, आपके बाल कौन से, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? फिर आपके फादर से मिलता है आपको, अगर आप मेल है तो वाई क्रोमोसोम, नहीं तो फीमेल है तो एक एक्स क्रोमोसोम, और मदर से आपको एक एक्स क्रोमोसोम मिलता है, दोनों ही को, बेसिक चीज है। और इसके अंदर 1% का वेरिएशन, लेस देन 1% वेरिएशन होता है डीएनए सीक्वेंस के अंदर, जो डिटरमाइन करता है पूरा बदलाव आपके, पूरी पूरा बंदा बदल जाता है, शरीर के बनावट बदल जाती है इस वजह से, राइट? और कई सारे वेरिएशन इसके एबनॉर्मल भी होते हैं, और ये एबनॉर्मल वेरिएशन की वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन बन सकते हैं, एबनॉर्मल नॉर्मल प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, हार्मोन्स ऊपर नीचे, एंजाइम की डेफिशिएंसी, शरीर के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, हार्ट के अंदर छेद, उल्टे सीधे चीज़ें, जो आप सोच सकते हो, एबनॉर्मलिटी, बच्चे उल्टे सीधे पैदा होना, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, हाइट कम होनी, यह सब जो मैंने बताया बीमारियाँ एंड ऑल हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्स इन योर जीन्स, याद रखिए जेनेटिक्स में। और याद रखिए, एबनॉर्मल जीन जो होगा वो इतनी
पावरफुल होती है कि सिर्फ एक एबनॉर्मल जीन काफी है डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, बीमारी प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एक एबनॉर्मल जीन भी हेरिडेटरी पास ऑन होती रहती है तो आपको रिस्क रहता है. तो इसीलिए जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि वो एक एबनॉर्मल जीन है कि नहीं है, राइट, इंपॉर्टेंट चीज. सो इसी को हम कहते हैं जीन्स जेनेटिक्स. यह हुआ बेसिक. अब हम 2 मिनट में बातचीत करते हैं दूसरी इसके बारे में. सो हम बात कर रहे हैं जीन्स की और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, और हमने बताया कि एक एबनॉर्मल जीन के वजह से आप को बीमारी हो सकती है, आप बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. और अगर एक बच्चे को एक और जीन्स, ये जो एबनॉर्मल जीन्स होती हैं, इसमें दो प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं. एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव. रिसेसिव मतलब वो प्रोडोमिनेंट नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो मान लीजिए डोमिनेंट रिसेसिव है तो वो आएगा कैरेक्टर की नहीं आएगा, क्या नहीं, वो नहीं आएगा, और डोमिनेंट होगा तो आएगा ही आएगा कैरेक्टर. तो जीन डोमिनेंट हो सकती है, रिसेसिव हो सकती है, ये आपको समझना है. और बीमारियां भी डोमिनेंट होती हैं, रिसेसिव रिसेसिव होती हैं, ऐसे होती हैं. और ये बात याद रखिए कि जो लोग सवाल पूछते हैं कि ये बीमारी जेनेटिक है कि वो बीमारी जेनेटिक है, बहुत सारे लोग अभी भी पूछते रहते हैं. हर बीमारी में एक छोटा कंपोनेंट तो है ही है जेनेटिक, जेनेटिक कंपोनेंट तो है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है. तो जेनेटिक कंपोनेंट हर बीमारी में है, नो डाउट, पहले तो ये समझ लो. लेकिन ये इंपॉर्टेंस वेरी करता है. जिसमें जेनेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम वो फैक्टर कैसे क्लासिफाई किया जाता है. एक तो होता है सिंगल जीन डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट एक टाइप का हो गया. दूसरा हो गया क्रोमोसोमल डिफेक्ट, और तीसरा हो गया मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट. अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझेगा नहीं समझेगा मैं देख लेता हूँ, समझाने की कोशिश करते हैं. जो सिंगल जीन डिफेक्ट मतलब एक जीन में गड़बड़ है उसमें वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है, मतलब बड़ा इम्पैक्ट करती है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, जब सिंगल जीन डिफेक्ट मतलब उसमें कई सारी वो तो पास ऑन होती होती हैं, उसमें 6 प्रकार के पैटर्न होते हैं, मतलब उसमें टाइप्स हैं, जैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डिफेक्ट. तो ज़्यादातर जेनेटिक बीमारियां सिंगल जीन डिफेक्ट होते ही होती हैं. फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के भी बीमारियां होती हैं, और ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सिंगल जीन डिफेक्ट्स से अलग होती हैं. सिंगल जीन डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वो हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, आपका हीमोफीलिया हो गया, मार्फन सिंड्रोम हो गया, एक्स लिंक्ड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो गया, ये सब आपका सिंगल जीन डिसऑर्डर है. और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिंट्रल सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, ये सारे जो हो गए बच्चे जो इसके साथ पैदा होते हैं एबनॉर्मल स्ट्रक्चर लेके, ये बीमारियों के नाम है. तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मल मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही अलग है, होल क्रोमोसोम सेगमेंट या पूरा का पूरा सेगमेंट ही गलत आ गया. और मल्टीफैक्टोरियल का मतलब क्या, ज्यादातर जो दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, अस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब मल्टीफैक्टोरियल में आती है, मल्टीफैक्टोरियल जीन प्रॉब्लम है. मतलब इसमें बहुत सारी जीन्स, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. जीन्स का एक फैक्टर है, इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है, आपकी लाइफस्टाइल का फैक्टर है, आपके मदर की बीमारियों का फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री का फैक्टर है, ये सब है. सो मल्टीफैक्टोरियल में आती हैं आपकी क्रोनिक बीमारियाँ, राइट. और दूसरी कई सारी बीमारियां हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है. माइटोकॉन्ड्रिया भी एक चीज़ है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक्ड होती है. तो वो बीमारियां होती हैं आपके ब्लाइंडनेस, सुनने शक्ति, हियरिंग लॉस, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, हाइट छोटी हो जाना, पेट में गड़बड़ी हो जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, डेवलपमेंट सही से नहीं होना, ये सारी चीज़ें. तो ये हुआ पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कि क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर और कैसे कैसे. याद रखिए 3 प्रकार के होते हैं, उसका वैसे डिटेल्स में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके हेरिडिटरी के बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब आपके माँ बाप से बच्चों को पास ऑन होते हैं, समरी बता रहे हैं, जिसमें DNA होता है और उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कैसे प्रोटीन बनेगा, जो पूरे शरीर की बनावट ही आपकी हर चीज़ प्रोटीन से बनती है. कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ एनर्जी मिलता है और फैट सिर्फ एनर्जी स्टोरेज है, राइट. हर चीज़ आपकी प्रोटीन से बनती है, तो हर चीज़ प्रोटीन, हर टाइप के प्रोटीन बनने के लिए DNA या RNA चाहिए, उसके लिए आपको जीन्स चाहिए. जीन्स DNA में जीन्स होती है, राइट. सो जीन्स और प्रोटीन से ही सारा कुछ काम होता है, इसलिए प्रोटीन खाना ज़रूरी है, राइट. और ये सारे में गड़बड़े आने के म्यूटेशंस, जीन जेनेटिक म्यूटेशंस होने की वजह से प्रॉब्लम आती है. एक जीन में प्रॉब्लम हो, सिंगल जीन म्यूटेशन होती है,
क्रो जिससे हमने बताया कई सारी प्रॉब्लम, जैसे मोस्ट कॉमनली सिकल सेल एनीमिया सबसे कॉमन बीमारी, और दूसरी हमने बताया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें हमने पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक पार्ट ही डीएनए का बदल गया, वो फिर पूरा का पूरे बचपन से ही प्रॉब्लम, टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऐसी बीमारियां आती है बचपन से ही, फिर उनकी लाइफ अलग हो जाती है। और मल्टी फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, जैसे कैंसर, डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियां, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब फिर इनके साथ होती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए, अगर मदर फादर को है तो आपको रिस्क है, नो डाउट। जैसे मेरी मदर को डायबिटीज़ है, मुझे रिस्क है, तो मैं फिर शुगर नहीं खाता, सिंपल। वैसे आपको थोड़ा सा आपका चेंज करना पड़ेगा डाइट, लाइफस्टाइल। जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, क्या बला है? सी, जेनेटिक टेस्टिंग ब्लड की जाती है और कई बार दूसरे टिश्यू की जाती है, जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और 2000 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है जेनेटिक टेस्ट में, और जेनेटिक टेस्ट कई सारे कारण से करते हैं, लेकिन करेंगे क्यों? ऐसे उठा के सबके जेनेटिक टेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि माँ बाप में बीमारी है, क्या बच्चे में बीमारी होगी कि नहीं होगी, तो अनबॉर्न चाइल्ड, अभी तक बॉर्न नहीं हुआ, प्रेगनेंसी है, तो उसके जेनेटिक टेस्टिंग होती है, ये बीमारी, ये ढूंढने के लिए उसको बीमारी है कि नहीं। फिर अगर आपको ऐसी कोई जीन तो नहीं है जो आपके बच्चों को हो जाएगी, ऐसी कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, उसके लिए जांच होती है, राइट। और जो बच्चे हो जाते हैं, जो एकदम अनबॉर्न एम्ब्रॉयो होते हैं, एम्ब्रॉयो की भी स्क्रीनिंग होती है बीमारी के लिए, एम्ब्रॉयो की। और एडल्ट के केस में भी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, कई बार कर सकते हैं अगर हमें डाउट है मदर फादर को है, क्या आपको तो नहीं है अल्जाइमर्स की डिजीज़, क्या अल्जाइमर्स होगा कि नहीं होगा, वो बुढ़ापे में जाके साइज कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं होगी, या तो उसके लिए भी पहले सिम्टम आने से पहले पकड़ने के लिए टेस्टिंग हो सकती है, अगेन रिस्क फैक्टर्स देख के। रिस्क फैक्टर कौन बताएगा? फैमिली हिस्ट्री, आपके फादर को है, ग्रैंड फादर को है, फैमिली में 2-3 लोगों को है, तो आपको होने के चांसेस है कि नहीं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, दिमाग की, दिल की, हार्ट की, किडनी की, डजंट मैटर, यू हैव अ रिस्क, सिंपल। और अगर आपको कोई सिम्टम है तो उसके डायग्नोसिस के लिए भी कभी कभी जीन्स को ढूंढा जाता है कि हाँ यार ये बीमारी ऐसी लग रही है, देखते हैं इस आदमी में वो जीन है कि नहीं, अगर वो जीन है यही बीमारी है। सो जेनेटिक टेस्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, जीन म्यूटेशन है तो, सो वो म्यूटेशंस ढूंढे जा सकते हैं, राइट। और कई बार हम दवाइयों के डोज भी देखने के लिए कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है, तो हर एक के लिए, हर एक के पास अलग रीज़न है जेनेटिक टेस्टिंग कराने का और नहीं कराने का भी, और कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब कुछ केसेस में जब देर इज़ नो ट्रीटमेंट, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है जेनेटिक टेस्टिंग कराने का कुछ केसेस में, बट देन जब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है, डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, तो जेनेटिक टेस्टिंग काम आएगा, काम की चीज़ है। इसके लिए जेनेटिक काउंसिलिंग होती है, जेनेटिक काउंसिलर्स बैठे हैं, वो आपको काउंसिल करेंगे जेनेटिक उसके कि टेस्ट कराने के फायदे नुकसान क्या है। सो ये पूरी जानकारी हुई आपकी जीन्स की और जेनेटिक डिसऑर्डर की, कि क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, कैसे होती है टेस्टिंग, इलाज टोटली अलग है, इलाज यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल है उसके बेसिस पे हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज यूजुअल।